हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास ट्वेल्थ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसका शीर्षक है विचार, विश्वास और इमारतें। इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, जिसमें हमने स्टडी की है महावीर जैन के बारे में और जिनका सिद्धांत रहा है कि लौकिक सुखों से भी आगे सुख है, और जैन परंपरा के अनुसार वो जैन धर्म के जैसे कि 24वें तीर्थंकर रह चुके हैं, 24वें शिक्षक, उससे पहले भी 23 शिक्षक हो चुके हैं, और जो शिक्षक हैं उनको जैन परंपरा में क्या कहा जा गया था, तीर्थंकर। इस बारे में ये डिस्कशन हम हमारी फर्स्ट पार्ट में हो चुका है। इस सेकंड पार्ट में हम ज़्यादातर स्टडी करेंगे बुद्ध और उसके बारे में, बुद्ध ने ज्ञान की खोज के लिए क्या किया, तो इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महात्मा बुद्ध ने कैसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की है और किस तरह से वो सबसे प्रभावशाली शिक्षक कहलाए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि सबसे प्रभावशाली जो शिक्षक हैं वो कौन रहे हैं, वो रहे हैं महात्मा बुद्ध, और उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से पूरे भारत को जगमगाया है, और इस तरह से उनके जो संदेश है वो कहाँ कहाँ फैले, उनके द्वारा जो सिखाई गई शिक्षाएं हैं वो कहाँ कहाँ तक फैली है, उनकी शिक्षाओं का प्रचार कहाँ तक हुआ है, तो ये मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक उनकी शिक्षाओं का जो प्रचार प्रसार हुआ है। तो ये बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं इनके बारे में हम कैसे जानते हैं, इनकी जो रचना है उसका आधार क्या था, तो ये था बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, बौद्ध ग्रंथों से हमें उनके बारे में, तो इतिहासकारों ने उनके बारे में जो भी जानकारी इकट्ठी की वो कहाँ से, बौद्ध ग्रंथों से, और जो लगभग कब लिखे गए हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन काल के 100 वर्षों के बात। ठीक है, तो ये सब हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है उनके बारे में, उनके बाद जो भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं उनसे। ठीक है, वैसे तो जो महात्मा बुद्ध हैं वो उन्होंने अपने टाइम में, अपने टाइम पे कोई भी लिखित कार्य नहीं करवाया, सिर्फ वो जो शिक्षा दे रहे थे वो सारी की सारी कैसी थी, मौखिक रही है। ठीक है, तो अपने मौखिक जो विचार हैं वो लोगों के सामने प्रकट करते थे, और बाद में किसी तरह से भी उसके फॉलोअर्स ने, उनके अनुयायियों ने उन शिक्षाओं को कहानियों, किस्सों और ग्रंथों में डाला। ठीक है, तो इसमें संत चरित्र, किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी होती है। ठीक है, क्या होती है संत चरित्र, किसी धार्मिक नेता या संत की जीवनी, जो उसकी किस चीज़ का, उपलब्धियों का गुणगान करते हैं। किसका गुणगान करते हैं, उपलब्धियों का गुणगान करते हैं। ठीक है, तो ये संत चरित्र, जैसे कि महात्मा बुद्ध हैं तो उसी तरह से उनके चरित्र की जीवनी का गुणगान किया है बौद्ध ग्रंथों में। तो हम इसी स्टडी में आगे स्टडी करेंगे कि जो ये उपलब्धियां हैं वो कहाँ, जैसे कि संचरित्र जैसी, या जैसे मैंने अभी भी जिक्र किया है कि उनकी शिक्षाओं को मौखिक या लिखित माध्यम से लोगों ने प्रकाशित किया है, लेकिन जो ये संचरित्र है वो किसी पूरी तरह से सही नहीं मानी जाती, क्योंकि उसमें कुछ काल्पनिक पुट भी होता है। तो महत्वपूर्ण क्या होता है इसमें, हमें उस परंपरा के अनुयायियों के विश्वास के बारे में पता चल जाता है कि जो भी किसी संत के चरित्र के बारे में लिखते हैं तो जो उसको मानने वाले फॉलोअर हैं वो किस तरह का विश्वास दिखाते हैं, इस बारे में हमें पता चल जाता है। तो इसी परंपरा के अनुसार जो महात्मा बुद्ध है सिद्धार्थ, ठीक है, वो क्या था, शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे, और जीवन के यथार्थ से दूर महल की चार दीवारियों में रखा गया। ये आपको सभी को पता है, हमने 10th क्लास की एनसीईआरटी में भी पढ़ा है, और शाक्य के बारे, सॉरी, महात्मा बुद्ध के बारे में हर जगह, जैसे कि उनके प्रारंभिक जीवन कितना कष्टकर नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल शांत, और इसमें जैसे मैंने बताया चार दीवारियों में रखा गया। क्यों, क्योंकि जब ये पैदा हुए थे महात्मा बुद्ध
इनके बचपन का नाम जैसे कि सिद्धार्थ है, तो जब पैदा हुए तो इनके बारे में एक भविष्यवाणी हुई थी। वो ये भविष्यवाणी क्या कह रही थी, ये भविष्यवाणी ये कह रही थी कि भाई ये जो लड़का है ये आगे भविष्य वक्त क्या बनेगा, एक साधु या सन्यासी बनेगा, भविष्य वक्ता ने इस तरह की भविष्यवाणी की थी। ठीक है, तो इसके जो पेरेंट्स हैं इनके पिताजी वो डर गए और इनको जो जीवन की सच्चाई है उनसे दूर सिर्फ राजमहल के अंदर ही रखा गया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एक दिन भाग्यवश या सौभाग्य से कहाँ चले जाते हैं, शिकार पे जाते हैं, तो वहाँ पे इन्होंने चार दृश्य दिखाई दिए हैं। चार दृश्य में क्या दिखाई दिया है, पहले एक बूढ़ा दिखाई दिया है, फिर एक बीमार व्यक्ति, और फिर एक दिखाई दिया है एक लाश शमशान ले जाते हुए, और लाश में इनको दिखाई देता है एक साधु। ठीक है, जब ये शिकार पे थे अपने सारथी से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, ये व्यक्ति इस तरह से इस सैया पे क्यों लटा है, ये बूढ़ा क्यों है, बीमार क्यों है, तो उसके सारथी ने बताया कि ये सभी जीवन की सच्चाई है। ठीक है, तो यहीं से ही उनके जो सिद्धार्थ गौतम हैं उनके जीवन का दूसरा कहते हैं पल शुरू हो जाता है, या कहेंगे दूसरा फेज शुरू हो जाता है। यहाँ से वो सारी सांसारिक मोह माया छोड़ देते हैं और सिर्फ ज्ञान की खोज में शुरू हो जाती है। राजमहल को जैसे भव्य विशाल चीज़ों को छोड़ के सिर्फ ज्ञान के लिए निकल पड़ते हैं। तो सिद्धार्थ ने इस तरह से साधना के मार्ग अपनाए भाई कि किस तरह से साधना करके वो ज्ञान प्राप्त कर सकते। पहला उन्होंने क्या किया, शरीर को अत्यधिक कष्ट दिया। इस अत्यधिक कष्ट देने से क्या हुआ, वो शारीरिक कमजोर हो गए और फिर आगे और कोई काम करने में ठीक है सक्षम नहीं रहे, तो इन्होंने इस चीज़ को छोड़ दिया। और फिर इनकी समझ में आया कि शारीरिक कष्ट देने से कोई ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। फिर उन्होंने क्या किया, कई दिनों तक ध्यान के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। अब कई दिनों तक, ये दिन कितने रहे होंगे, तो क्या आप जानते हो, बता सकते हो, अगर नहीं बता सकते तो चलो जान लेते हैं कि ये 7 दिनों तक। ठीक है, कितने दिनों तक, 7 दिनों तक लगभग एक ही जगह पर, और कहाँ बैठे थे, पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है, ये जो पीपल का पेड़ है ये बाद में जब 7 दिनों के बाद इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो क्या कहलाया, बोधि ट्री, बोधि वृक्ष। ठीक है, बोधि मतलब बुद्धि देने वाला पेड़। तो इस तरह से 7 दिनों के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और इसके बाद सारा जीवन इन्होंने शिक्षा देने में ही लगा दिया। जब तक ये रहे, जब तक इन्हें निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ, तो ये सब कुछ अपना सारा टाइम शिक्षा देने में ही लगाते रहे। तो ये थे महात्मा बुद्ध के बारे में एक छोटी सी कहानी कि कहाँ से उनके जीवन में बदलाव आने शुरू हुए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद है कि उन्होंने जो सीखा और जो सीखने के बाद लोगों को सिखाया, तो उनकी जो शिक्षाएं हैं उसको कहाँ सुरक्षित किया गया है, त्रिपिटक में। त्रिपिटक, इसके बारे में हम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, 3 टोकरियां जिसमें कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया। ठीक है, कि किस तरह की कहानी है, इस तरह से दोबारा से निर्माण किया गया। कुछ कहानियां कैसी हैं, अलौकिक शक्तियों का वर्णन करती हैं। और दूसरा क्या है, कुछ बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार, ठीक है, यहाँ तो सिर्फ क्या, पहली तरह की कहानियों में उन्होंने अलौकिक कहानी बनाई है कि किसी तरह से संसार के लोगों को सिखाया जा सके। फिर बाद में उन्होंने लोगों को विवेक, अपने ज्ञान और तर्क के माध्यम से समझाया। तो ऐसी एक स्टोरी है जो विवेक और तर्क के का पुट देती है, या उसको किसा गौतमी की। किसा गौतमी क्या है, एक ब्राह्मणी थी, तो उसका बेटा मर जाता है। बेटे की शोक में वो इतनी पागल हो जाती है कि सबसे कहती है कि उसके बेटे को जीवित कर दो। ठीक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के, तो जो ये लोग हैं उसको कहाँ भेजते हैं, गौतम बुद्ध के पास। तो जो गौतम बुद्ध है उसे अपना
क्या तर्क देकर समझाते हैं कि सागोतमी को कि जाओ तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा, तुम किसी भी घर से मुट्ठी भर सरसों मांग लाओ, ठीक है, मुट्ठी भर सरसों। लेकिन वो सरसों कैसी होनी चाहिए, ऐसे घर से होनी चाहिए जिसके यहाँ कोई भी मौत ना हुई हो। तो इस तरह से वो अपने बेटे के गम में इतनी पागल हो जाती है, ये भूल जाती है कि जो मृत्यु है वो असंभव आई है। तो घर घर जाती है लेकिन उसे कोई भी घर ऐसा नहीं मिलता जिसके घर में मौत ना हुई हो। फिर वो वापिस महात्मा बुद्ध के पास आती है तो महात्मा बुद्ध उन्हें कहते हैं कि संसार ऐसे ही चलता है कि ये जो लाइट है, एक शहर की लाइट उस टाइम पे जल रही थी, तो उसका उदाहरण देते हुए कहता है कि जैसे लाइट बुझ रही है और जल रही है उसी तरह से हमारा जीवन भी जलता और बुझता है। मतलब कि एक बार पैदा होते हैं और हम मरते हैं। तो ये इस कहानी का सार है कि भाई उन्होंने सिंपल सा उदाहरण दे के किसा गौतमी को समझा दिया कि मृत्यु असंभव है। तो बौद्ध दर्शन जो है वो क्या कहता है, विश्व अनित्य है, ठीक है, लगातार बदल रहा है, इसमें बार हर बार चेंज होगा, ठीक है, आत्मा विहीन है, कोई आत्मा नहीं है कहीं भी। बाकी जो और जो हमारे वैदिक दर्शन और ये किसकी आत्मा की प्रधानता, लेकिन जो गौतम बुद्ध है वो क्या कहते हैं, आत्मा विहीन है, कुछ भी यहाँ पे स्थाई नहीं, यानी कि सभी कुछ गतिशील है, ठीक है। तो ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं महात्मा बुद्ध। फिर इसके आगे है मनुष्य को मुक्ति कैसे प्राप्त होगी, घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्य मार्ग अपनाकर हमें मुक्ति मिलेगी, ठीक है। बुद्ध ने जन्म मरण के चक्र से मुक्ति बताई है। आत्म ज्ञान और निर्वाण प्राप्ति के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की है। बुद्ध की शिक्षाओं में क्या आया है कि अगर हम जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पानी है तो हमें आत्म ज्ञान, स्वयं ज्ञान प्राप्त करना है, इतना ज्ञान प्राप्त करना है कि निर्वाण के लिए व्यक्ति अपने आप में केंद्रित होकर उसके लिए प्रयास करे, सम्यक कर्म करे, अच्छे कर्म करे, और अंतिम निर्देश जो है वो क्या है, अपना खुद के लिए अपने आप ही रास्ता बनाओ। कहने का मतलब है ये किसी पर निर्भर नहीं रहो, ठीक है, किसी पर निर्भर मत रहो, यानी कि आत्मनिर्भर बनो, ठीक है। तो फिर इस तरह से इन्होंने अपने शिक्षाओं से पूरे संसार को जगमगाया, तो इनके फॉलोअर भी बने। तो बुद्ध के अनुयायी कौन कौन हुए इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध के शिष्यों के दल ने जो शिष्य जा रहते थे उसके लिए संघ की स्थापना की, ठीक है, और जो शिष्य हैं उनको क्या कहा गया, शर्मन कहा गया, और भोजन के लिए ये जो शिष्य हैं किस पे निर्भर रहे, उपासकों पर, जो बुद्ध के उपासक थे, बुद्ध को मानने वाले थे, तो उन उपासकों के पास भोजन के लिए ये जाते थे मांगने के लिए, और भोजन और दान पाने के लिए ये क्या रखते थे, कटोरा रखते थे, और क्या कहलाए ये, भिक्षु कहलाए। तो जो बुद्ध ने शिष्यों का एक दल बनाया था उसका नाम क्या रखा, संघ। तो इस संघ में पहले क्या था, मोस्टली ज्यादातर केवल पुरुष ही शामिल थे, ठीक है, ज्यादातर क्या थे, पुरुष। क्यों थे पुरुष, क्योंकि जो गौतम बुद्ध है वो स्त्रियों पे स्टार्टिंग में उन्होंने इतना सिखाने पे या स्त्रियों को के पास इतना टाइम नहीं होता होगा कि वो भाई इस तरह के ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाएं। तो इनका एक प्रिय शिष्य रहा है आनंद, उनके कहने पर, ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया महात्मा बुद्ध से महिलाओं को भी अनुमति दे दी संघ में शामिल होने की। तो इसमें इस कड़ी में इस श्रृंखला में पहली जो भिक्षुणी है जो भोजन और दाना पानी के लिए जो भी है कटोरा रखते थे तो वो क्या कहलाए, भिक्षु कहलाए। तो पहली भिक्षुणी इसमें कौन बनती है, बुद्ध की मौसी है महाप्रजापति गौतमी, ये वही गौतमी है जिन्होंने बुद्ध का लालन पालन किया है, ठीक है, क्योंकि इनकी माता तो बहुत जल्दी ही इनको जन्म देते ही संसार से विदा हो गई, मां माया,
और इनका पालन पोषण इनकी मौसी माँ प्रजापति गौतमी ने किया और यही पहली भिक्षुणी बनी, मतलब इनकी पहली शिष्या बनी। बाद में आने वाली जो उपदेशिकाएं, ठीक है, इनके बाद में जो आई वो उनको क्या कहा गया, उपदेशिकाएं, फिर थेरी कहलाई। पहले तो उनको क्या का नाम रखा गया है, उपदेशिका, फिर क्या, थेरी। थेरी का अर्थ जान लेते हैं पहले, थेरी क्यों कहलाई। थेरी का अर्थ ये है कि जिन भिक्षुणियों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिन भिक्षुणियों ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, सॉरी ज्ञान नहीं, निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण का मतलब है कि इच्छा मृत्यु, ठीक है, अपनी मर्जी से जिन्होंने मौत प्राप्त की तो उन्हें बाद में क्या कहा गया, थेरी। अब इनके अनुयायी कौन कौन, जैसे इनकी पहली शिष्या बनी इनकी मौसी और फिर बाद में जो बनी उनको उपदेशिकाएं और बाद में थेरी कहलाई, तो इसी तरह से कुछ अनुयायी फॉलोअर बहुत ज़्यादा थे, तो इनमें राजा भी बने, धनवान लोग भी इनके अनुयायी बने हैं, गृहपति, दास, शिल्पी और कर्मकार जो भी है, सभी समुदाय के जो लोग हैं वो इनके सदस्य अनुयायी बने। फिर संघ की संचालन पत्ति, ये जो संघ था इनके शिष्यों का, तो इसकी पत्ति कैसी थी, तो इसको जैसे गणों और संघों में क्या होती थी, शासन व्यवस्था थी, या जिस तरह से शासन चलता था तो उसी तरह से इन्होंने इनका जो संचालन पत्ति है वो भी इसी तरह से चलाई। थेरी गाथा क्या है, बहुत जो ग्रंथ है सुख इटक का हिस्सा, ठीक है, जो थेरी गाथा वो क्या है, सुत पीटक, जैसे इनके जो ग्रंथ है विनय पीटक, सुत पीटक और अभिधम पीटक, तो उसका हिस्सा क्या है, थेरी गाथा। और इसमें क्या है, पुन्ना जो दासी है उसका ब्राह्मण से वार्तालाप है, ये वार्तालाप, चलो इस बारे में थोड़ी सी बातें कर ले हैं कि ये पुन्ना दासी क्या थी, ये पानी लेने के लिए जाती है, ठीक है, पानी लेने के लिए, और मौसम कैसा था, ठंडा, ठंडे का मतलब है भाई सर्दी का मौसम था, ठीक है, तो सर्दी का मौसम था तो ये क्या बताती है कि भी इसकी तो मजबूरी है पानी लाना इतनी ठंड में, कि हे ब्राह्मण आप क्यों ऐसा दुखी हो रहे हो, इस इतनी ठंड में क्यों ना रहे हो नदी में, तो ये समझाता है ब्राह्मण कि भाई इससे मैं संसार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलेगी और मैं लोगों का उद्धार करूंगा, कि नहाने से, इस ठंडे पानी में नहाने से आप मेरी, ये इसको इसी तरह समझाती कि भी मेरी तो मजबूरी है, कम से कम आप तो ऐसा मत करो, बचो इस सर्दी से, ठीक है, इससे कोई मुक्ति या कोई भी उद्धार नहीं होगा। अब जो भिक्षु और भिक्षुणी रहते थे संघ में उनके लिए नियम बनाए गए थे, तो वो कौन से ग्रंथ में संग्रहित किए गए हैं, विनय पीटक में। अब क्या क्या नियम थे, जैसे जब भिक्षु कंबल बनाएगा तो उसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक वो करेगा, उससे पहले वो उसको नहीं चेंज कर सकता, मीन्स ये एक शर्त थी, अनिवार्य या बाध्यता थी। जब कोई भी भिक्षु किसी के घर जाकर 2 या 3 कटोरे से ज़्यादा भोजन लेगा तो उसे अपना भोजन अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा, ये उसका जो अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना था अपराध को माफ करने के लिए होता था। तो बौद्ध धर्म में इसी तरह से भाई ये थे शिक्षों भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए नियम। अब स्तूप बनाए गए हैं, स्तूप क्या होते थे, शव दाह के बाद शरीर का कुछ अवशेष टीलों के रूप में सुरक्षित रखे गए, ठीक है, ये टीले ही चैत्य कहलाए। किसके अवशेष हैं ये, गौतम बुद्ध के, ठीक है, या उनके जो भी अनुयायी रहे हैं गौतम बुद्ध और उसके अनुयायियों के, ठीक है, या उसके शिष्य जो शिक्षाओं का जो भी है फॉलोअर, तो बौद्ध धर्म में जिनको, और यही टीले क्या कहलाए, जैसा कि जो सांची का स्तूप है वो विश्व प्रसिद्ध है, इसमें इस पिक्चर में दिखाया भी गया है इसका मेन गेट, ठीक है, इसके बारे में हम
जो इससे संबंधित डिटेल है वो फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो इनका जो जन्म स्थान है, पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। जन्म हुआ है लुम्बिनी में, ज्ञान इनको बोध गया में, उपदेश इन्होंने सारनाथ में, और निर्वाण प्राप्ति हुई है कुशीनगर में। ठीक है, तो ये चारों के चारों इन बोध के जीवन के वर्णन है। स्तूप क्यों बनाए गए? कुछ पवित्र जगह भूत से जुड़े अवशेष और उनकी स्थितियों को गाड़ दिया गया और इन टीलों को ही स्तूप कहा गया। अशोकावदान जो ग्रंथ है, उसने अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को हर हिस्से में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया है। इस ग्रंथ में हमें मिलता है स्तूप की संरचना क्या होती है। टीला, टीले के अर्थ टीला है, चारों ओर एक वेदिका होती है जो पवित्र स्थल को बाकी दुनिया से अलग करती है, इसे ही स्तूप कहा गया है। सांची और बृहत के स्तूप बिना अलंकरण के हैं, बिना सजाए हुए हैं। उपासक जो हैं वो पूर्वी तोरण द्वार से ही प्रवेश करकर टीले के बाई तरफ रखते हुए दक्षिणाव्रत परिक्रमा करते थे इनके पुजारी। ठीक है, खोज कब की गई है? 1796 में एक स्थानीय राजा को अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले हैं। 1854 ईस्वी में गुंटूर आंध्र प्रदेश में के कमीशन ने अमरावती की यात्रा की है और कुछ पत्र जो है कलकत्ता में भी इस स्तूपों से संबंधित पाए गए हैं। तो इस वीडियो में महात्मा बुद्ध और स्तूपों से संबंधित इतनी सारी जानकारी थी, इस लेसन से रिलेटेड कंप्लीट हो चुकी है। रिमेनिंग जो पार्ट है इस लेसन का वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इफ यू लाइक वीडियो प्लीज लाइक एंड